नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। महिला सम्मान सेविंग स्कीम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश किया है। वहीं इससे पूर्व वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और बजट पेश करने की जानकारी दी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पर अपनी मोहर लगाई। तत्पश्चात वित्त मंत्री सदन में पहुंची और अपने बजट के पिटारे से कई योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक नई बजट योजना बनाई है। इस नई बजट योजना का नाम महिला सम्मान बजट पत्र योजना रखा गया। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बजट में 7.5% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बजट योजना 2025 तक चलेगी। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी सौगात दिया। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दी गई है। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यवसाय प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय खाता संख्या रखने के लिए पैन का उद्योग निर्देश सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य है। वही आम बजट 2023-24 में एक ऐतिहासिक तो आज उस वक्त बन गया है जब देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह देश के इतिहास में पहली बार है जब आम बजट के मौके पर भारत की राष्ट्रपति महिला हैं और वित्त मंत्री भी महिला हैं। मतलब साफ है कि देश की आधी आबादी गर्व से अपना सिर ऊंचा करके कह सकती है जय हिंद। वही थोड़ी देर पहले उन्होंने रेलवे को लेकर बजट में ऐतिहासिक ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 के दिए गए बजट के आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार में मदद मिलेगी। वहीं रेलवे के क्षेत्र में विकास और तेज होगा। नए ट्रैक बिछाए जाएंगे और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी।